को अप्लाई नाउ करना है रूपी का क्रेडिट कार्ड, जिसके लिए हम यहाँ पे पहले पैन कार्ड नंबर डालेंगे, अपना आधार कार्ड के ऊपर जो मोबाइल नंबर लिंक है वो डालेंगे, अपना फुल नेम, अपना ईमेल एड्रेस, पिन कोड आपका जो आपका घर का एड्रेस का होगा वो डाल देंगे और यहाँ पर एक अथॉरिटी टिक मार्क लगा के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम ये फटाफट से डिटेल्स भर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप जाओगे सीधा प्ले स्टोर पे, यहाँ पर आपको रूपी क्रेडिट कार्ड FD क्रेडिट कार्ड यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसका एप्लीकेशन है तो यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन लिखा है, इस ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह सा इंटरफेस आएगा, देख सकते हो FD क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट अप्रूवल मिलने वाला है। सिबिल स्कोर आपका यहाँ से बढ़ने वाला है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के ऊपर और बैंक नंबर के ऊपर लिंक होगा वो डाल देना है। यहाँ पर एक टिक मार्क लगाएंगे और उसके बाद गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम अपना मोबाइल नंबर फटाफट से डाल देते हैं। OTP सेंड करने के बाद वेरिफिकेशन का OTP आपके मोबाइल नंबर पे, अगर इस मोबाइल में सिम कार्ड होगा तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर मैन्युअली आपको डाल देना है। तो यहाँ पे OTP आ चुका है, हम यहाँ पे अपना OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद नीचे आपको कन्फर्म OTP का बटन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। OTP कन्फर्म हो चुका है, लेट्स बिगन एंजॉय योर जर्नी। और ये इस तरह का क्रेडिट कार्ड आपको मिलने वाला है जो कि FD के ऊपर आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो इसके बेनिफिट क्या क्या है। यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो भी यहाँ पर आपको कार्ड मिलता है, सिबिल स्कोर कम होगा 0 होगा तो भी यहाँ पर आपको कार्ड मिलता है, और जिसका सिबिल स्कोर कम है उसका सिबिल स्कोर भी यहाँ से बढ़ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो अप टू 7% का इंटरेस्ट मिलेगा जो भी आप FD करोगे उसके ऊपर। ज्वाइनिंग फी 0 है, एनुअल फी 0 है, कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, तो ये बिल्कुल फ्री क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। इजी कैश विड्रॉवल से, और 45 दिन तक आपका क्रेडिट कार्ड जो आपको यूज़ करना है वो उसका पैसा आप यूज़ कर सकते हो, और उसका जो भी बिल बनेगा वो 45 दिन के बाद आपको पेड करना है। यहाँ पर बुक फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे क्योंकि अभी हमें अपना क्रेडिट कार्ड लेना है। जो भी कैमरे की परमिशन है वो अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद देख सकते हो कम से कम 5,000 रुपीज़ की FD यहाँ पर आपको करनी होगी, या फिर आप मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आगे जाके बढ़ भी सकता है। बट अगर आप 10,000 की करते हो तो इसका बेनिफिट आप देख सकते हो, 7% का आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है जो कि 700 रुपीज़ होगा, और उसके ऊपर आपको 90% का लिमिट दिया जाता है। बट हम यहाँ पे 5,000 की FD कर देते हैं जो कि यहाँ पे 325 रुपीज़ हमें जो अमाउंट है वो मिलने वाला है इंटरेस्ट का, और 2 जनवरी 2025 तक हमारी ये FD होने वाली है। इससे अंदर आप ये विड्रॉ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको 500 रुपये चार्ज लगेगा। बट हम यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे FD करके अपना कार्ड जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पर एक टिक मार्क लगानी है और उसके बाद चूज प्लान के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी टिक मार्क्स लगानी है वो सारी लगा देंगे क्योंकि कंसेंट है तो देना पड़ेगा। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एंटर योर डिटेल्स लिखा है, यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल फिर से एक बार डालनी है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स है जैसा कि बर्थ डेट, मदर का नेम, ईमेल आईडी। थोड़ा सा नीचे लेके यहाँ पर आपका जो भी मैरिटल स्टेटस होगा सिंगल मैरिड वो चूज करेंगे और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे फटाफट से अपनी डिटेल्स डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल डाल दी है, कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे एक OTP सेंड किया है, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पे ग्लिड की तरफ से ये OTP आ चुका है, इसको हम कॉपी करेंगे और इस एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एप्लीकेशन में पेस्ट करने के बाद कंफर्म OTP के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अलाउ करना है, कंसेंट देना है, और नीचे एग्री एंड कंटिन्यू का बटन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो सारे टिक मार्क हम लगा देते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई और KYC करना है, तो KYC आपको आधार कार्ड से करनी होगी। यहाँ पे हम अपना आधार नंबर सही से डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर एक टिक मार्क लगा के वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP आ रहा है जो कि मेरा इसी ही मोबाइल में है, तो यहाँ पे मैं OTP डाल देता हूँ। OTP हमने डाल दिया है, कन्फर्म OTP के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी आधार कार्ड से KYC डिटेल्स आ जाएंगी। तो ये सही लग रहा है तो यहाँ पे सेंड माई फिजिकल कार्ड टू दिस अबव एड्रेस लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका एड्रेस यहाँ पे गलत होगा, कई कबार गलत होता है, तो यहाँ पे एड न्यू डिलीवरी एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप अपना एड्रेस दोगे तो यहाँ पे उसी एड्रेस पे ये क्रेडिट कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको टिक मार्क करेंगे और नीचे आपको कन्फर्म वाला बटन है तो कन्फर्म करेंगे, यही हमारे सारे डिटेल्स है। उसके बाद देख सकते हो यू आर जस्ट कपल ऑफ स्टेप्स फ्रॉम ओपनिंग FD अकाउंट। तो यहाँ पर देख सकते हो बैंक अकाउंट आपको लिंक करना है, जो कि RBI को लगता है कि ये एप्लीकेशन में आपको अगर FD करना है तो यहाँ पर आपका बैंक लिंक करना होगा। तो कंटिन्यू के ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालनी होगी, जैसा कि फादर का नाम, उसके बाद कंट्री, सिटी ऑफ बर्थ, एजुकेशन। थोड़ा सा नीचे लेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल्स है, ऑक्यूपेशन है, इनकम सोर्स, इनकम स्लैब,
नॉमिनी आपको डालना होगा तो नॉमिनी की डिटेल्स है यहाँ पर, नॉमिनी का नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप और नॉमिनी का एड्रेस, ये सारे डिटेल्स डाल के आपको यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो ये सारे डिटेल्स मैं फटाफट से डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स मैंने डाल दिए, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हो हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो 5000 रुपीज़ का बनेगा। उसका यहाँ पे मैच्योरिटी डेट लिखा है, उसके यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी लिखा है, और हमें उसके ऊपर 90% का क्रेडिट लिमिट मिलेगा जो कि 4500 रुपीज़ बनता है, वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे कंफर्म 5000 का प्लान है, ये हमें कंफर्म करना है। तो कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है, इसको सारे कंसेंट दे देने हैं, और यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो वेरीफाई द बैंक अकाउंट वांट टू पे विथ, तो यहाँ पर आपको बैंक का अकाउंट नंबर दो बार डाल के IFSC कोड डाल देना है और वेरीफाई करना है। तो 1 रुपये का ट्रांजेक्शन होकर ये बैंक वेरीफाई हो जाएगी, और इसी बैंक के ऊपर आपकी ये जो 5000 की FD है वो भी कनेक्ट होने वाली है, और उसका जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इसी बैंक में जमा हो जाएगा। तो हमने अपनी बैंक की सारी डिटेल डाल दी है, यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो बैंक सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है, देख सकते हो सारी डिटेल्स वेरीफाई की हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जीपे से नहीं करूँगा। आप जीपे से करना चाहते हो पेमेंट तो यहाँ से कर सकते हो, मैं यहाँ पे फ़ोन पे से करने वाला हूँ। तो फ़ोन पे के ऊपर क्लिक करता हूँ, पे के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोसेस हो रहा है पेमेंट का। अब आपका पेमेंट इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फ़ोन पे ओपन हो चुका है। पे के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पे UPI पिन डाल के ओके करेंगे, पेमेंट हमने कर दिया है, सक्सेसफुल भी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट करना है, देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे VKYC होने वाली है, जो कि आपका एक फोटो लगने वाला है। तो स्टार्ट VKYC के ऊपर हम क्लिक करेंगे, कुछ SMS आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। देख सकते हो स्टार्ट कॉल विथ एजेंट लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड आपके हाथ में रखना है, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आपकी लाइट भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका ये जो KYC का प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कॉल विथ एजेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद एक एजेंट कनेक्ट होगा, उसको आपको जैसे मैंने बोला है वैसे आपको डॉक्यूमेंट दिखा के वीडियो KYC कम्प्लीट करनी है, तो आपकी वीडियो KYC का इस तरह से मैसेज आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का आपका कार्ड बन जाएगा। यहाँ पर आपको कम से कम 24 घंटे लगते हैं तभी आपका ये कार्ड बन जाता है। देख सकते हो गोल्ड लिखा है, SBI बैंक की तरफ से हमें कार्ड मिलने वाला है। अब हम यहाँ पे पर्सनलाइज कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका कार्ड का जो भी डिटेल्स होगा वो दिखाई देगा, और आपको कार्ड के ऊपर क्या नाम चाहिए वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हो एक्टिवेट योर वर्चुअल कार्ड टू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑनलाइन। तो एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक OTP भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, तो वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो OTP डालने के बाद नेक्स्ट हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पे हमारा जो लिमिट है वो 4500 का मिल चुका है। अब हमारी कार्ड की डिटेल्स चेक करनी है, तो यहाँ पे कार्ड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैनेज करना चाहते हो तो मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये जो ऊपर स्कैन एंड एक्टिवेट लिखा है, ये कार्ड हमारा 7 दिन के अंदर अपने जो आपने एड्रेस दिया होगा आपका आधार कार्ड का, उस एड्रेस पे आपको ये मिल जाएगा। उस वक्त आपको ये स्कैन के ऊपर क्लिक करके वो स्कैन करना होगा, उसके ऊपर एक QR कोड होगा, तो स्कैन करने के बाद वो फिजिकल कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हो अवेटिंग बिल जनरेशन, तो जैसा हम यहाँ पे कार्ड यूज करेंगे तो उसका बिल जनरेशन होगा 1 तारीख को। इस तरह से आपको ये कार्ड जो है वो यूज करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर देखते हो तो यहाँ पर आपकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, और यहाँ पर अगर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देख सकते हो 5000 रुपीज वैल्यूज की हमारा जो FD है वो हो चुका है, और यहाँ पे FD की डिटेल्स भी है। यहाँ पर हमें 7% का जो इंटरेस्ट है वो भी मिलने वाला है, और ये 5000 रुपीज का 90% भी यूज करने के लिए मिल रहा है। तो दोनों तरफ से यहाँ पे फायदा है, और यहाँ पर आपको कोई भी सिविल भी